वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, एक्टिव प्लस कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक से। मैंने इस हफ्ते एक विषय जो आप लोगों को दिखाने के लिए चूज किया है वो है ओल्ड लोगों के साथ में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको वो सारी वीडियोस पूरे हफ्ते दिखाऊंगा जहाँ पे एल्डरली लोगों को यानी बुजुर्ग लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं और हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आपके भी घर में कोई बुजुर्ग हों जिनके घुटनों में कमर में कोई दिक्कत है तो आज की वीडियो और आने वाली वीडियो से आप एक्सरसाइजेस और थेरेपी के बारे में जान सकते हैं। वीडियो को देखते हैं शुरुआत से। बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं कि तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खड़े हो जाना है ऐसे, ठीक है, और वॉल का सपोर्ट लेके खड़े हो जाएंगे आप, ठीक है। और आपको क्या करनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज साइड में पैर उठाना और इसमें देखना है कि आप ऐसे टेढ़े खड़े नहीं होने चाहिए, सीधे खड़े होके जितना भी आप सही कर पाएंगे उतने रेंज में उठाना है। स्टैंडिंग स्ट्रेट और साइड में पैर उठाइए, दूसरी साइड। हाँ नहीं, पहले हम एक ही साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, बस यहाँ से 10 times करेंगे। साइड से उठाइए पैर, 1, गुड, 2, 3, 4, और कोशिश करिए पैर आगे नहीं उठ रहा है, साइड नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा पीछे करके उठाइए पैर, 5, 6, 7, थोड़ा सा पीछे रखेंगे, अब उठाइए साइड में, हाँ, 8, 9, 10, 11, हाँ नहीं, पहले हम एक ही साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, बस यहाँ से 10 times करेंगे। साइड से उठाइए पैर, 1, गुड, 2, 3, 4, और कोशिश करिए पैर आगे नहीं उठ रहा है, साइड नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा पीछे करके उठाइए पैर, 5, 6, 7, थोड़ा सा पीछे रखेंगे, अब उठाइए साइड में, हाँ, 8, 9, 10, 11, 15, ठीक है। कहाँ फील हो रहा है जब आप उठा रहे हो पैर, इस वाले पे लोड करने में दर्द हो रहा है, ठीक है। आपको ना जो मसल फील होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरी साइड ट्राई करते हैं, उठा पा रहे हैं यहाँ से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अभी कोई पेन हुआ दूसरी साइड लेग में, पेन हुआ नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सेम आप ऐसे हैंड रखोगे और आगे वाली भी, हम पहले पीछे वाली, पीछे पीछे बैक किक करिए जी, 1, 2, 3, 4, 5, कोशिश करिए नी बेंड नहीं हो रही है, नी स्ट्रेट है जब आप पीछे उठा रहे हो, नी स्ट्रेट करके सीधा करके उठाने की कोशिश करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें नहीं हुआ आपके कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक बार आप दूसरी साइड करते हैं, 1, 2, गुड, 3, 4, 5, 6, 7,
एट गुड नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है तो अच्छा जब इसे करते हो तो इस वाले में लोडिंग वो लोड से लोड पड़ता है ना तो उसमें नहीं हो रहा कोई भी ठीक हो जाएगा। अब आप फ्रंट वाला करिए जो हम फ्रंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चेंज कर लीजिए अब दूसरे साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके अच्छा ठीक है। अब आप एक काम करिए आपको लेट नाइट सीधा बेड पर स्ट्रेट लीजिए दोनों नीज को बेंड कर लीजिए ठीक है। और क्या करना है कंफर्टेबल लेटो अब क्या करना है इस दोनों नीज को इधर की साइड नीज साइड गिराना है ऐसे और फेस को उधर की साइड देखना है। इससे नीचे जा सकता है इससे नीचे नहीं जा सकता कोई बात नहीं। कहीं खिंचाव लग रहा है आपको? हाँ इधर की साइड पर लग रहा है खिंचाव? नहीं यहाँ वाली साइड पर लग रहा है ठीक है। इसको ना ढीला करके ऐसे करके बस इतना और ये ना हिप्स उठाना नहीं है हिप्स नीचे रखिए बेड पर ही बस जितना इसमें बस पैर जितना नीचे आ रहा है उतना कंफर्टेबल ठीक है। वन अब रिलैक्स अगेन इसी साइड ही दोबारा से सेम साइड और हेड को दूसरी साइड देखना है। टू थ्री फोर फाइव इससे मैं क्या करना चाह रही हूँ जो बैक थोड़ी सी स्टिफ है ना जॉइंट्स थोड़े से स्टिफ है उनको मूव कर रहे हैं हम बैक के ताकि वो मोबिलिटी अच्छी रहे। फिर से एट नाइन टेन उतना ही खिंचाव महसूस हो रहा उधर की साइड कम हुआ ना करते करते ठीक है। अब दूसरी साइड करेंगे पैर उधर की साइड गिराना दो बार करती हूँ करते हो वही हो जाता है ना पैर मतलब टिका होता है हेड अपोजिट साइड इसमें कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है वही साइड है ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया खिंचाव वो भी ओके टू फिर से थ्री आप नेक को वापस ले आया करो ठीक है। अब जब मैं नीचे लेके जाऊंगी आप नेक को रोटेट करोगे दूसरी साइड फोर वापस नीचे फाइव सिक्स
7 8 9 and the last one 10. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज साइड टर्न ले लीजिए, मेरी तरफ करवट ले लीजिए, नीज को ऐसे बेंड करके रखेंगे, इसको ऐसे आगे रखेंगे. अब क्या करना है आपको, मैं इसको यहाँ फिक्स करके रखूँगी. आपको क्या करना है, एंकल टू एंकल टच करके रखेंगे, इसको नहीं छोड़ना है. और यहाँ बीच में से पैर को उठाना है, इस वाले पैर को ऊपर उठाना है सीलिंग की तरफ, इतना बस, ये और वापस नीचे. ठीक है, सीलिंग की तरफ उठाइए, टू थ्री फोर, कहाँ फील हो रहा है आपको, फाइव, बिल्कुल सही, थोड़ा नीचे नहीं, यहाँ की साइड ज़्यादा. जब आप करते रहोगे ना तो आपको फील होने लगेगा, थोड़ा ज़्यादा बार करोगे तो. सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन. ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये पेल्विस है एक्सरसाइज करते वक्त नीचे से गिरना नहीं चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए, पूरी बॉडी सीधी रहनी चाहिए जब आप ये पैर ऊपर उठाओगे. ठीक है, ये पीछे गिरना नहीं चाहिए जब आप ये पैर उठाओगे, तो इसलिए मैंने ये पीछे सपोर्ट रख रखा था. जब आप खुद करोगे आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का. अब मेरी साइड करवट ले लीजिए, सेम दूसरी साइड करेंगे. ठीक है, एंकल टू एंकल टच करके रखेंगे, नी को यहाँ ऐसे रखेंगे. ठीक है, अब स्टार्ट करें हम, पैर उठाइए बीच में से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा ना यहाँ से एफर्ट ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ से कम ले रहे हो, तो अब एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो यही फील होएगा. इसको ना नीचे वाले को जब एक्सरसाइज करो इसको रिलैक्स करने की कोशिश करा करो, और यहाँ वाले फील करने की कोशिश करा करो. ठीक है, जब आओगे एक्सरसाइज करोगे तो उसको कुछ पता चलेगा कि हमसे काम कराया जा रहा है. अब आपको क्या करना है, अब आप साइड का बदले पे उठ जाइए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन. ठीक है, अब आप खुद से करोगे, थोड़े हाई स्टेप कम रखना, लो स्टेप से स्टार्ट करके है.
ठीक है, हाई स्टेप मत रखो, लो स्टेप आपको नीचे कर, खड़े खड़े चलना है आपको, थोड़ा सा उठा के मतलब। दोनों साइड पे जब आप वेट डालो, इक्वल लोड डालो, जिस पे डालो उस पे अच्छे से लोड डालो, इक्वल लोड। ठीक है, एक लास्ट चीज, अगर आप अपनी देखोगे ना तो आपकी जो बैक है थोड़ा सा इधर की साइड ज़्यादा शिफ्टेड है, देखा है आपने कभी? ये जो बैक है इधर की साइड ज़्यादा शिफ्टेड है और यहाँ ठीक है, लेकिन इधर की साइड कर्व ज़्यादा है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इसको इक्वल करें, सीधा करने की कोशिश करें ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टाइट हो रहा है इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो जैसे आपका ये वाला साइड है, आप इसमें ऐसे खड़े हो जाओगे दीवार के अगेंस्ट और ऐसे करने की कोशिश करोगे, बस साइड बेंड करना है ऐसे, मतलब इस तरफ करना है। हाँ, अब आइए इधर आइए, यहाँ दीवार पे लग जाइए अपने आपको, हाथ ऊपर कर लीजिए, ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए, इस वाले हाथ को नहीं, इसको नीचे, इस वाले हाथ को नीचे, अब उसको हिप को वहीं फिक्स करके बस नीचे उसको फिक्स करके रखिए दीवार तक, यहाँ से यहाँ आपको खिंचाव सा महसूस होगा, हुआ तो ये करना और सीधा रहना अपना ऐसे, फिर से करिए, होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 और सीधा फिर से, और हिप को वहाँ पे फिक्स करके रखना है, 1 2 3 4 5 अगेन स्ट्रेट, फिर से 1 2 3 4 5 स्ट्रेट। घुटनों में दर्द था, कमर में भी दर्द है, घुटनों में भी है, चलने में दिक्कत थी, तो पहले मैंने और भी ट्रीटमेंट किया है, मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मतलब ठीक चल रहा था, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने से, अब यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा मेरे को मतलब अच्छा रिलीफ लग रहा है, मैं मेरे को दिक्कत है क्योंकि मुझे उठने बैठने में, सीढ़ी उतरने चढ़ने में भी परेशानी होती है, इसकी वजह से मेरी पीठ में भी दर्द है, तो मतलब पीठ सीधी नहीं हो सकती, मतलब सीधी खड़ी नहीं हो सकती, झुक के खड़ी होती है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा 10-15 मिनट मतलब काम करो या थोड़ा चलो तो फिर पेन शुरू हो जाता है, फिर बैठने से थोड़ा रिलीफ मिलता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उठ के बैठ के मतलब। तो अभी आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो उससे कुछ उससे थोड़ा फ़र्क है मेरे को? हाँ, पहले से अच्छा फ़र्क है, कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ थम्स अप करके, सब चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके बताएं, हम आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देते रहें, थैंक यू।